है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं बोली, नहीं बोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव राघव वेलकम करता हूं आपका हाई फाई स्टडी वाईएस कैंपस में। और आज फ्रेंड्स हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होंगे, पेंसिया मान सकते हो आप। तो आज जो हम क्वेश्चन बनाने लिए गए हैं इसके अंदर सभी साइंस के क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं जो एग्ज़ाम में अगेन एंड अगेन रिपीटेड रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लगभग इसमें हम 1000 से अबव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ये, और वीडियो को हम ब्रेक वाइज बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो आप यहाँ से समझोगे अगर दाब को अगर हम बढ़ाते हैं तो बर्फ का क्या होता है, गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। तो ये नोट करना होगा आपको। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण होता है। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायु क्या होता है फ्रेंड्स, मिश्रण होता है, क्योंकि वायु में मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन एंड इनर्ट गैस नोबल गैस ये सभी गैसें पाई जाती हैं। तो वायु क्या हो गया फ्रेंड, मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अंदर एनवायरनमेंट का ही स्टडी की जाती है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं फ्रेंड, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इसी में हमने सभी कवर कर लिए हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको न्यूटन का सेकंड नियम आपने पढ़ा होगा, त्वरण बल जो होता है हमेशा क्या रहता है, एफ बराबर एम ए। तो ये होता है न्यूटन का सेकंड नियम। तो इसमें एम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो एफ किसके प्रपोर्शनल हो जाता है, त्वरण के, एफ बराबर ए। तो सीधा इस पर डिपेंड, इसे न्यूटन का सेकंड नियम भी बोलते हैं। और जो बल होता है न्यूटन के सेकंड नियम में वो होता है फ्रेंड्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा पी क्या होता है, संवेग परिवर्तन, और संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम, बल बोलते हैं। तो रेलवे के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बल क्या होता है, बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है और यही न्यूटन का सेकंड नियम कहलाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्लियर हुआ फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है, तो सीधा ऑप्शन से हमने उठा लिया है न्यूट्रॉन स्थायी कण होता, अस्थायी कण होता है। अस्थायी कण कौन से होते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन रहेगा, और अस्थायी कण वह होते हैं जो 82 एटमिक नंबर से एवव एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, 83, 84, 85, 86, ये सब अस्थायी एलिमेंट्स होते हैं, और यहीं से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो फ्रेंड्स परमाणु का जो नाभिक है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और परमाणु बड़ा होता है, परमाणु के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, नाभिक, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, एन और पी, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा में फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरी कक्षा में कितने होंगे फ्रेंड, 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 होंगे, और फोर्थ कक्षा में कितने होंगे फ्रेंड्स, 32। पहली कक्षा को k बोला जाता है, दूसरी कक्षा को l, और तीसरी को m, और फोर्थ को, चौथी को n, के एल एम एन, 2, 8, 18, 32। तो ये वॉरवरी का नियम होता है। और फ्रेंड्स जो परमाणु होता है वह उदासीन रहता है, परमाणु पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है और उतना ही फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज रहता है, तो प्लस माइनस इक्वल टू जीरो, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। बट फ्रेंड आपसे पूछा जाए नाभिक कैसा होता है, तो फ्रेंड्स नाभिक हमेशा पॉजिटिव तत्व रहता है। क्यों, क्योंकि नाभिक के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव रहता है फ्रेंड्स, और न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, तो प्लस ऐड होके कितना आ जाएगा, प्लस। तो इसलिए नाभिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, आर्वोरी कल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है कॉनकेव लेंस, और दूरदृष्टि से पीड़ित के लिए फ्रेंड उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती है, ये इनकी डेफिनेशन होती है। अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए किया जाता है, बड़ा वस्तु को बड़ा करके। अवतल लेंस का काम क्या रहता है, अवतल लेंस अगर बिखरी हुई किरण आ रही हैं तो उनको एक जगह कर देगा, ये काम किसका रहता है फ्रेंड, अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का काम क्या रहेगा, वह जो आपकी रेस एक जगह है उनको बिखेर के आपको दिखाएगा। या फ्रेंड आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना किसका काम रहता है, अवतल लेंस का, और किसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को या थिंग्स को या व्हीकल्स को छोटे छोटे करके दिखाना वो काम किसका रहता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस जो रहता है वो किनारों से पतला रहता है और बीच में मोटा रहता है, और अवतल लेंस की पहचान ये है वो किनारों पे मोटा रहेगा और बीच में पतला रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फ्रेंड्स यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से रेलवे में भी आया हुआ है, जो आँख का लेंस रहता है वो कौन सा रहता है फ्रेंड्स, वह है उत्तल लेंस रहता है। और पूछा जाए जो बुलबुला काम करता है, पानी का जो बुलबुला होता है वो कौन से लेंस का काम करता है फ्रेंड, वह अवतल लेंस का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। फ्रेंड न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें दो बल लगे होते हैं, एक F1 ले लीजिए और एक F2 ले लीजिए, तो प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन पहले पर जो बल लगेगा उसके दूसरा अपोजिट बल होता है, अगर ये प्लस है तो फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि वह उसके अपोजिट रहता है। तो न्यूटन के तृतीय नियम पर भी कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे नाव से उतरता हुआ व्यक्ति, जब नाव से उतरता है व्यक्ति तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है, तो कौन से न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर वे विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो न्यूटन का क्या रहेगा, तृतीय नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का किया जाता है फ्रेंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंजाई। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यह फ्रेंड्स तृतीय नियम के ही कारण संभव है, जितना बल हम आगे लगाएंगे उतना ही बल हमें पीछे की तरफ लगेगा। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये कथन किसका है, न्यूटन का कथन है, और यह है जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, इनर्सिया लॉ, और ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। पॉजिट्रॉन है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, कृषि के साथ साथ उसकी भूमि का कास्टीय, या बारहमासी वृक्ष लगाना, जो बारह महीने जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका आइस का फ्रेंड, यह है फ्रेंड्स थोरियम का, थोरियम का आइस को होता है मोनोजाइट, ठीक है। और बॉक्साइट किसका रहता है फ्रेंड, एल्युमिनियम का। जैसे अगर एग्जाम पूछा जाए यूरेनियम का आइस क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है पिच ब्लेड, क्या रहता है,
पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका आयस्क है फ्रेंड? तो वो है, पिच ब्लेड होता है यूरेनियम का आयस्क, और यूरेनियम के आयस्क का फॉर्मूला होता है U3O8। तो ये रहता है पिच ब्लेड, यूरेनियम का आयस्क रहता है। और यूरेनियम और थोरेनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट फ्रेंड मैग्नीशियम का खनिज होता है। गन मेटल किसका आयस्क है? तो गन मेटल के अंदर कॉपर, टिन और जिंक तीनों मिश्रण पाए जाते हैं, तो गन मेटल क्या एक मिश्रण भी होता है। लहसुन की अविलक्षणी गंध का क्या कारण है? सल्फर का यौगिक होना। फ्रेंड ये लहसुन हो, प्याज हो, तो इसमें किसकी गंध आती है? सल्फर की ही गंध आती है, आपको ध्यान रखना। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक। यानी कि भारी जल का प्रयोग जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक के रूप में किया जाता है। और फ्रेंड भारी जल को हम गुरुजल भी कहते हैं, और भारी जल का फ्रेंड फॉर्मूला होता है D2O, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट रहता है। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो रक्त जो है कोलाइड नहीं होता है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, जेल का। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, लाल फास्फोरस और गंधक का। आपसे पूछा जाए फ्रेंड माचिस में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुम्बकीय है? तो फ्रेंड ऑक्सीजन जो होता है अनुचुम्बकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? फ्रेंड सीसा, जिसे आप लेड बोलते हैं, वह सबसे ज्यादा क्या होता है फ्रेंड्स? स्थायी तत्व होता है। सबसे ज्यादा स्थायी तत्व कौन सा होता है फ्रेंड? वो होता है लेड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सोडियम जो है जल से हल्का होता है। और मैं आपको यहाँ पे एक नोट कर दूँ, सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। और सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या हो रहते हैं? मृदु धातु होती हैं, इन्हें सॉफ्ट मेटल बोला जाता है। और सोडियम और पोटेशियम दोनों के ही गलनांक और क्वथनांक काफ़ी निम्न होते हैं, इसलिए इन्हें सॉफ्ट मेटल भी कहा जाता है, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी की वाष्प होती है। फ्रेंड ये ध्यान रखना, अगर ट्यूबलाइट में पूछी जाए तो आर्गन AR और प्लस HG, क्या फ्रेंड्स? AR प्लस HG। HG की क्या होती है? बॉपर और बाष्प मतलब। और अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, किसके लिए? निर्वात उत्पन्न करने के लिए। और फ्रेंड्स ये भी आपको मालूम होगा, आर्गन गैस जो होती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है, अक्रिय गैसों में, नोबल गैसों में, इनर्ट गैसों में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है निर्वात उत्पन्न करने के लिए। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित थे? चेचक। और चेचक के टीके का खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? फ्रेंड्स कैंडियम के प्रदूषण से ही मानव के गुर्दे का रोग होता है। और कैंडियम आजकल प्रेजेंट में देखा जाए तो पानी को सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग मतलब क्षय रोग, TV जिसे बोलते हैं ट्यूबर किलोसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है फ्रेंड? जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पत्ती ही क्या करती है फ्रेंड्स? श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह फ्रेंड्स एसिटिलीन का किया जाता है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, और ये आयन ग्रुप के अंदर आता है, और इसके अंदर क्या फ्रेंड्स रहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रहती है एसिटिलीन की पहचान। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर।
नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु यानी कि जांग की, जिसे आप क्या बोलते हैं? फीमर हड्डी। और सबसे छोटी कान की होती है? स्टेप्स जिसे बोलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटॉक्सिन। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है फ्रेंड्स? 12 जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ी 24 होती हैं पसलियां। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। फ्रेंड देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी दुखन होने लगती है, थकान होने लगती है, तो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, और लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड अपकेंद्र बल पे। और फ्रेंड अपकेंद्र बल क्या होता है? फ्रेंड सबसे पहले आप अभिकेंद्र बल को समझो। अभिकेंद्र बल क्या होता है? जो वृत्त की ओर लगे, जो वृत्त की ओर डायरेक्टेड होता है यानी कि दिष्ट होता है, उसे बोलते हैं हम अभिकेंद्र बल। और जो अभिकेंद्र बल के विपरीत रहे, जिसकी दिशा वृत्त के बाहर की ओर रहती है, उसे फ्रेंड बोलते हैं हम अपकेंद्र बल। तो अपकेंद्र बल के अंदर क्या रहेगा? जैसे मौत के कुएं में जो व्यक्ति बाइक चलाता है तो वह अपकेंद्र बल के कारण चलाता है। और जितने भी आप जैसे दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्र बल पे काम करती है, अपकेंद्र बल पे, क्योंकि उसमें से बाहर की तरफ फेंका जाता है। और जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी किस पे काम करती है? अपकेंद्र बल पे। तो अपकेंद्र बल की दिशा क्या रहती है? वृत्त के बाहर की ओर। जिसमें से बाहर की तरफ कोई चीज़ फेंकी जाए वो आपको ध्यान रखना है क्या? अपकेंद्र बल। और अंदर की ओर अभिकेंद्र बल, सेंट्रिपेटल फोर्स जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। चुम्बकीय प्रत्यारोपण एवं दूरमिति में से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? ST, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फ्रेंड्स बल बटे लंबाई, यानी कि काल्पनिक रेखा की लंबाई। बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन। लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। किसका? पृष्ठ तनाव का। और पृष्ठ तनाव की क्या पहचान है? पृष्ठ तनाव जो है, अगर आपसे पूछा जाए बरसात की बूंदों का गोल होना, डिटर्जेंट या साबुन का बुलबुले का बनना, गर्म सूप क्यों स्वादिष्ट लगता है, तो ये सब पृष्ठ तनाव के ही कारण होते हैं। और पृष्ठ तनाव की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, द्रव का वह गुण जो अपना न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की ये डेफिनेशन रहेगी। और फ्रेंड पृष्ठ ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है क्या? ताप बढ़ने पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। संवेग में जो होती है सदिश राशि होती है, क्योंकि संवेग में परिमाण मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। और संवेग का फॉर्मूला रहता है P = mv। और यहाँ से देखोगे संवेग का मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर इंटू सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, MKS पद्धति में, CGS में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने के लगभग बराबर होता है? 310 के आसपास रहता है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं हम, अल्फा कण का जो आवेश रहता है वो 3.2×10⁻¹⁹ रहता है प्लस में कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक परमाणु भार के बराबर रहता है।
निम्न तापमापी इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है फ्रेंड? 3×10^8 m/s, या इस तरीके से देख सकते हैं आप 3×10^5 km/s। प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर तक जा सकता है।